हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा मात्र मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, वो भी 3 दिनों का। जी हां, नूर मूवी के साथ ये फिल्म रिलीज हुई थी और साथ ही साथ फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी। रवीना टंडन इसमें मेन लीड रोल में नजर आए थे। ये रेप विक्टिम के ऊपर स्टोरी थी, किस तरह से रेप होने के बाद एक महिला अपनी ही बच्ची का किस तरह से बदला लेती है जब लीगल सिस्टम उसके फेवर में नहीं होते, जब कोई दुनिया में कोई खड़ा नहीं होता, किस तरह से खुद वो लड़ती है सिस्टम के खिलाफ, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और रियलिटी को कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं घटती है और रियल लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। वैसे दर्शकों को उतनी ज़्यादा ये फिल्म पसंद नहीं आई है क्योंकि इसका कलेक्शन बहुत ही कम है। पहले दिन इस फिल्म ने जो कमाई की थी वो की थी 40 लाख, दूसरे दिन की थी 46 लाख, यानी 40 लाख, देन 46 लाख। उसके बाद तीसरे दिन का कलेक्शन जो आया था यानी कि संडे का, उसमें थोड़ी मुनाफा देखने को मिला, यानी कि 80 लाख फिल्म ने कमाई की, जो कि एक अच्छा खासा कलेक्शन बोल सकते हैं क्योंकि फ्राइडे सैटरडे का काफ़ी कम था। और इन पूरे तीनों दिनों कलेक्शन के बाद फिल्म का टोटल हुआ है 1.68 करोड़। तो ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आई थिंक कुछ ज़्यादा बड़े स्टारकास्ट नहीं है। रवीना टंडन बहुत सालों बाद फिल्म में वापस करी फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्मों में, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से देखा जाए तो एक कलेक्शन ठीक था, क्योंकि ज़्यादा बड़े बजट की फिल्म भी नहीं थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक डिसेंट तौर पर हम कहेंगे से कलेक्शन आगे जा रहे हैं। और ये फिल्म के पास 3-4 दिन ही बचे खुचे हैं और उसके बाद तो बाहुबली के आगे कोई फिल्म भी टिक नहीं पाएगी। इसको 350 स्क्रीन्स ही मिले, तो इसको ज़्यादा स्क्रीन्स भी नहीं मिले, तो ऐसे में मात्रा का जो कलेक्शन है मैं कहूँगा एक अच्छा खासा कलेक्शन है। कुछ बोले बड़े घर पर चलिए आपको अपडेट करते रहूँगा। चेयर तक के लिए बाय बाय।